गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं 10 मिनट का लोअर बॉडी वर्कआउट, जिसको अगर आप डेली अपने लाइफ में शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी लेग्स बहुत ज्यादा सेक्सी हो जाएंगी और अगर उनपे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो बहुत अच्छे से चला जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके बट्स बहुत ज्यादा हेवी हैं या फिर बिल्कुल ही फ्लैटन है, ये उनको भी टोन करेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप देती है ना। चाहे वही एक्सरसाइज होती है फैट लॉस करने के लिए, वही एक्सरसाइज होती है वेट गेन करने के लिए, मतलब उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है आप उसको कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं और कितनी उसकी रिपीटेशन करते हैं। तो जितना आप अच्छे से करेक्ट पॉस्चर के साथ करेंगे, जितनी रिपीटेशन करेंगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 15 डेज में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि डेफिनेटली आपको आपकी लोअर बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही पसंद आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा प्यार दिया करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को इस तरीके से बैक पे प्लेस करना है और उसके बाद में अपने हिप को बैक साइड पे लेते जाते हुए अपनी चेस्ट को बाहर की साइड करते हुए आपने जितना हो सकता है उतना बेंड करना है, देन अप। ठीक है, मैं आपको साइड पोर्शन दिखाती हूँ। सेम आपने इसी को रिपीट करना है एटलीस्ट 20 टाइम्स और इसके आपने करने हैं 3 sets। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये बहुत अच्छे से आपके थाई मसल को, इनर थाई को, आपके ग्लूट मसल को, आपके काफ को बहुत अच्छे से टोन करेगी। आपने देखा है बहुत सारी लेग्स यहाँ से बल्की होती है, हेवी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको बहुत अच्छे से टोन करती है। डन, यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक है, इसके लिए आपको करना है बिल्कुल अपनी लेग्स को जॉइन, पहले स्क्वाट करना है लाइक दिस, फिर आपने उसको स्लाइटली सबवाइड करना है राइट साइड स्क्वाट, फिर उस फीट को दोबारा से आप सेम प्लेस पर लाएंगे, देन लेफ्ट साइड ओपन करेंगे स्क्वाट। ठीक है, इस तरीके से अगेन बैक आते हुए डाउन। तो आपको इसको करना है 20 टाइम्स और इसके एटलीस्ट आपको मिनिमम करने हैं 5 sets। डन, तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपने लेग्स को इस तरीके से वाइड करना है लाइक दिस और आपने डाउन जाना है सुमो स्क्वाट 20 टाइम्स और इसे करने हैं आपने मिनिमम 5 sets।
रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है लंजेस की, जो लोअर बॉडी की जितने भी मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ बहुत ही मेन है, जो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालते हैं आपके लोअर बॉडी पर, थाइस पर, उसके फैट को कम करने में। ठीक है, अब इसके लिए आपको वन लेग को आगे लेकर जाना है, उसके बाद डाउन जाना है, सेकेंड लेग का जो आपका पंजे पर आना है आपको टोस पर आना है, हील को अप करना है, ये वाले लेग का जो नी है वो आगे नहीं जाएगा, मेक श्योर वो बैक साइड पर रहेगा लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद सेम आपको बना है 20 टाइम्स, आपको बना है राइट साइड 20 टाइम्स, ये आपको बना है लेफ्ट साइड, और इसके करने हैं एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 सेट्स। ठीक है, डन अदर साइड पे। रिलैक्स, यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं हम जंपिंग स्क्वाट। ठीक है, पहले आपको जंप करना है स्क्वाट, देन आपको फिर लेग्स को वाइड करना है, देन स्क्वाट अगेन जॉइन करके स्क्वाट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 20 टाइम्स आपको इसको परफॉर्म करना है, और लिटरली जब आप इसको परफॉर्म करेंगे जितना इजी लग रहा है उतना ही आपको आपकी पूरा बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत दर्द हो रहा है और वही वाला पेन, तो हमें एग्जैक्टली फील करना है बिकॉज नो पेन नो गेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स, और इसके करने हैं हमें 5 सेट्स। ओके डन, तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट होल्ड। ठीक है, उसमें हम काफ को भी अपना टारगेट करेंगे। कैसे, पहले तो आप स्क्वाट पोजीशन में आ जाइए, होल्ड करिए पोजीशन को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स लाइक दिस, नीज आपके बिल्कुल भी आगे नहीं आएंगे, पैरों से सबका ध्यान रखेगा। देन अब हम काफ मसल को टारगेट करेंगे, आपने एक हील अप करनी है, एक ही आपने डाउन करनी है, फिर अप, फिर डाउन, अप, डाउन, अगेन होल्ड, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, होल्ड। ठीक है, तो एटलीस्ट इस एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम परफॉर्म करना है, और इसके आपने करने हैं 3 सेट्स। इसी के साथ करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके हम टारगेट करेंगे सिर्फ अपने काफ को। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने हैंड को सपोर्ट लेना है, अपने टोस पर आपने अपने आप को लिफ्ट करना है, 10 सेकंड होल्ड, देन डाउन, इससे आपके काफ मसल यानी यहां का फैट रिड्यूस होगा।
डन। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके आपने करने हैं 20 टाइम्स को रिपीट करेंगे और इसके आप करेंगे 5 sets मिनिमम है, मैक्सिमम उसको और ज्यादा लेकर जाएं, उससे आपके कफ बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से हैंड को प्लेस करना है मैट पे और अपने लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करना है जितना मेरे को देख पा रहे हैं, मतलब आपके शोल्डर जितना। देन उसके बाद में अपनी वन लेग को, मतलब हिप को अपने बैक साइड पे रखना है, कमर को अपने अंदर बेंड की रखना है, देन आपने ऊपर लिफ्ट करना है, देन डाउन 20 टाइम्स आपने करना है राइट साइड, 20 टाइम्स ही आपने करना है इसको लेफ्ट साइड। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।